हेलो बच्चों, देखते हैं अपने पास वाले केबिन में क्या चल रहा है। ये तीन बाबा जी क्या करके करते हैं। शांदू सर क्या प्रिपरेशन चल रही है सर, किस चीज की तैयारी चल रही है? नहीं, ऐसा क्या, एक्चुअल में हम लोग क्या है, भूल चूक सुधार दिवस के नाम से एक वन शॉट है बच्चों के लिए। बच्चों की कुछ कमियां वगैरह रह रही हो तो उसके लिए हम लोग प्लान कर चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो अभी अपने कितने चक्कर का कर लिया प्लान? ऑलमोस्ट सर 12-13 चक्कर का हो गया फिजिक्स में। हाँ, मतलब फिर टोटल कितने कर लेंगे? टोटल कितने चक्कर का सोच रहे हो? 50% से ऊपर कर देंगे। और ये ऐसे 70 मार्क्स। अच्छा, 100 में से 70 मार्क्स, मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो कैसे कर सकते हैं? आपको 40 के करीब चैप्टर्स हम लोग खत्म कर देंगे, जिसमें मैथ्स में हम लोग तकरीबन 10 चैप्टर के आसपास तक चले जाएंगे और फिजिक्स में 15 और केमिस्ट्री में भी 15 रावण खत्म, बच्चे के बैकलॉग का ध्यान, है ना। सही बात है। पहला वन शॉट किससे करना? पहला वन शॉट मैं सोच रहा यार, एमकेसी सर से बात हुई थी मेरी। अच्छा, मैं कहता एसएचएम का ले लेता हूं। सही है ना, छोटा चैप्टर भी, छोटा सवाल आता है। एक सवाल आता है क्या गारंटी फिजिक्स से? तो आप ही हो रहे हैं। बिल्कुल, एक सवाल आता है और चैप्टर भी बहुत बड़ा नहीं है। इधर मैंने जय सर से बोला था कि वो पीरियडिकली शायद यार बिल्कुल हो सकेगा, तो जय सर सही बात है। फिर बताते रहेंगे जैसे जैसे आता है, कमेटी में डाल देंगे सर। अच्छा, वहां से चेक डाल देंगे। हां, लाना मतलब एक वीकली प्लान नहीं डाल करके ये डाल देंगे टेंटेटिव, हम दोनों से चेक कर लेंगे ताकि अगर किसी बच्चे का बैकलॉग भी है तो भी अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते। किसी भी बच्चे का ऐसा भी है ना कि मान लीजिए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की तैयारी तो पूरी होती है लेकिन अब वो पीछे उसने करे हुए उसको 2 महीने हो गए, भाई तो करना ही ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि इससे फायदा हो जाएगा। और सर हर वन शॉट के बाद अपन टारगेट भी दिया करेंगे अपने टेलीग्राम पे। अच्छा, तो ग्रुप भी इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो या तो एक काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देते हैं, बच्चा आगे से ज्वाइन कर ले। बिल्कुल, वन शॉट के बाद अपन कुछ क्वेश्चंस के टारगेट देंगे और वो उसके सॉल्यूशन अपन अपने व्हाट्सएप पे मंगवाएंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा बच्चा टारगेट कंप्लीट कर रहा है? व्हाट्सएप पे मैम सॉल्यूशन मंगवाएंगे। हां, व्हाट्सएप पे अपन अगर सॉल्यूशन मंगाएंगे तो अपने को पता चल जाएगा। इस बात से बच्चे को प्रेशर भी रहेगा कि वो दे सकता है, ठीक है। दूसरी बात, मैं ये चाहता हूँ कि ना इस जगह पे ना थोड़ा ज्यादा अब इम्पोर्टेंट रोल हो गया बच्चे से, ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए पेरेंट्स का। मैं अभी स्टार वाले पेरेंट्स के से ही बात कर रहा था, मतलब मैंने उनसे वीडियो डाला था, मैंने उन्होंने कहा कि अभी बिल्कुल सही टाइम है कि अगर बच्चा पिक करेगा ना तो अभी उड़ जाएगा, ठीक है। तो भाई सभी बच्चे जानते भी है कि अब देखा जाए तो अब बिल्कुल बिल्कुल जीत जो है बिल्कुल एकदम सामने आके खड़ी हो गई है। सही बात, आप ही को चुनना है जीत या हार में से किसी को पकड़ लोगे। मिनिमम एफर्ट करके मैक्सिमम आउटपुट बच्चा ले सकता है, क्योंकि काफी बच्चे पहले से डिस्ट्रैक्टेड है, कुछ बच्चे रील में देखने में बिजी हो रखे हैं। मैं आज यही बात है ना, एक्चुअली मैं बच्चों के साथ कर भी रहा था, मैं थोड़ा फटाफट से बता देता हूँ। मैं आज अभी बच्चों के साथ में ये बात कर रहा था कि देखो ऐसा है, या तो आप अपने मदर फादर के 25-30 लाख रुपए लगाओगे कि है ना कि किसी अच्छे कॉलेज में जाना, अच्छे कॉलेज की बात हो रही है, अच्छे कॉलेज में जाने के दो रास्ते हैं, तो 25-30 लाख रुपए मिनिमम दो, मिनिमम है ना। चाहे मणिपाल को भी अगर आप अच्छा कॉलेज मानते हैं तो भी, आपसे थप्पड़ को मानते हैं तो भी, ठीक है ना, जेपी नोएडा को मानते हैं, किसी भी अच्छे कॉलेज के अंदर अगर आपका जाना होगा तो 25-30 लाख रुपए तो जाने ही जाने। या फिर दूसरा रास्ता, 25-30 लाख रुपए आप आराम से ऐश काटो, ठीक है, आप एक कोई भी अच्छे से एग्जामिनेशन को पार कर लो, चाहे मेंस को पार करो चाहे एडवांस को पार करो, ठीक है, आपके अच्छे कॉलेजेस की एंट्री पक्की है। तो रास्ता 25-30 लाख रुपए का कोर्स है बॉस। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अब जो अपन करने वाले हैं, ये 25-30 लाख रुपए बचाएगा मेरे भाई, और ये पैसे बहुत बढ़िया सर, ये पैसे तुम्हारे ही है, ऑब्वियस बात है, ये तुम्हारे मदर फादर के पैसे, वो अपने साथ लेके जाने की काफी कोशिश करेंगे लेकिन ले जा नहीं पाएंगे, तुमको ही देके जाएंगे मेरे भाई, पूछ लेना, नहीं हो तो पेरेंट्स से पूछ लेना कि पापा वहीं दोगे ना। हाँ, 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 ठीक है। एक चीज और था, क्या मैं हम वन शॉट में बच्चों को स्टूडियो में बैठा सकते हैं? अपने पास थोड़ा बहुत स्पेस है, मतलब मेरे ख्याल से 15-20 बच्चे तो बैठ सकते हैं। हाँ, इतना तो अपने पास में जो अपने ऑलरेडी जो भी उसमें बच्चे हैं उनको तो देखेंगे देखेंगे, बाहर से बच्चों को बुलाना चाह रहे हो? हाँ, मतलब मैं क्या हूँ, थोड़ा बहुत कोई इंटरेस्टेड हो तो आ सकता है। अगर बाय द वे आप में से कोई यहाँ चाहे तो डेफिनेटली आप सब स्वागत है, ठीक है ना, चाहे आप 12th के बच्चे हैं, चाहे आप 13th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे डेफिनेटली 11th में ही आएंगे, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन अगर आप हैं और आपको लगता है कि आपका समय बचाते हुए आप खेल सकते हैं तो बिल्कुल। तो सर वो नंबर दे देते हैं बच्चों को, उस पे मैसेज कर देंगे। नंबर हमारा बिल्कुल एकदम 977 वाला 9773 86684। बढ़िया प्लानिंग है सर, बच्चे बिल्कुल अब जुड़ जाएंगे और बिल्कुल जेईई फोड़ेंगे। और इवन हम आपको एक और बात बता रहे हैं, हम पूरी तरह से प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज देने की जिनकी गारंटी है कि पेपर उधर से ही आएगा, ठीक है ना। बच्चों से पूछ रहे थे वो चाहिए कि मैंने अपन इतनी मेहनत करे ऊपर से बच्चे देख ले तो क्या फायदा सर। नहीं नहीं हम तो देंगे तो भी ना, तो पहले वाले के क्वेश्चन के आंसर आएंगे तो भी देंगे आपको, वो तो ऑटोमेटिकली अनलॉक होती रहेगी, हम देंगे ही नहीं। जी सर कॉन्टेक्ट लग रहा है, एनटीए में लग रहा है कोई बच्चा बहुत डेडिकेटेड है और चाहता है कि मेरे अच्छे नंबर आए तो भाई वेलकम, सही बात है ना। तो भाई लोगों फाइनली इट्स अ लास्ट कॉल फॉर यू, ठीक है ना। इसके बाद वाली कोई गाड़ी नहीं है अपने पास में, आपको पता होना चाहिए आपके लिए बिल्कुल। अगस्त अक्टूबर के खत्म होने का टाइम आ गया, आई है, ठीक है ना। तो 12 अक्टूबर से एनकेसी सर नारियल फोड़ेंगे एसएचएम चैप्टर के साथ वन शॉट में पूरी धमाल के साथ अपने प्रिय मित्रों के साथ बैठ करके एक साथ 8 घंटे 6 घंटे जितनी भी देर का वन शॉट है उसे खत्म कीजिए, उसके क्वेश्चन लगाइए और अपने आंसर्स भी हमारे तक पहुंचाइए, ठीक है। नोट जरूर बनाना, ऐसा नहीं कि पता चला वो वहां पे पड़ा हुआ है। अभी भी आपके पास मिठाई में आप अपनी भूल चूक सुधार सकते हो और देखो कितनी बढ़िया प्लानिंग आपके लिए चल रही है, तो जुड़े रहिए वन शॉट सीरीज के साथ में। थैंक यू। मोशन है तो भरोसा है।